हेलो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मार्केट गिरने की वजह और मार्केट गिरने का डर ये दो चीजें है ना आप अपने माइंड से निकालिए सबसे पहली बात आप मार्केट में है तो मार्केट में रहने के जो तरीके होते हैं ना उन तरीकों को अपनाना सीखिए जब आप किसी चीज को अपनाना सीखेंगे ना तभी वो चीज भी आपको अपनाना शुरू करेगी कहते हैं ना आप आप किसी की रिस्पेक्ट करेंगे एट द टाइम द पीपल विल रिस्पेक्ट यू बैक राइट तो आपको क्या करना है आपको सिंपली मार्केट uh, की रिस्पेक्ट करनी है तभी जाके मार्केट भी आपको रिस्पेक्ट करेगी आप मार्केट को अपनाना सीखिए मार्केट आपको अपनाना सीखेगी तो मार्केट में गिरना मार्केट में गिरने की वजह की फेड की मीटिंग हो रही है या फिर आर बी की मीटिंग हो रही है एफ ने ये कह दिया किसी ने ये कह दिया किसी ने वो कह दिया आपने मार्केट नहीं खरीद रखी

उसकी तरफ ध्यान दीजिए उसका बिजनेस मॉडल कैसा है आ, वो आगे ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा आपका शेयर अच्छा खासा चल रहा है कि नहीं मार्केट में अगर गिर रहा है वो शेयर भी गिर गया है तो आपने उसमें ऐड करना है या नहीं करना है या फिर आपको बेचना है आपको कब खरीदना है इस चीज पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप अपने स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए ना कि आप मार्केट की तरफ ध्यान दीजिए आपने स्मॉल कैप स्टॉक ले रखे आप निफ्टी को देख के डर रहे हैं कि निफ्टी फिफ्टी नीचे गिर रही है तो उस चीज को भूल जाइए आपने लार्ज कैप ले रखी है स्मॉल गिर रहे हैं आप न, आप उसे स्मॉल कैप के डर से आप लार्ज कैप बेच रहे हैं तो वो डर भूल जाइए सिंपली आप इस कहते हैं ना बी स्पेसिफिक विद द स्टॉक्स तो स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए फेड की मीटिंग क्या हो रही है चाइना में कौन सा कला आ गया है चाइना की, आ, की वजह से क्या होगा ये क्या होगा वो क्या होगा ध्यान दीजिए ओके okay, ध्यान देना खबर रखना कोई बुरी बात नहीं है बट उसका अपने स्टॉक्स पे अपनी ट्रेडिंग पे उस पर बिल्कुल भी असर मत आने दिए आपकी जो स्ट्रेटेजी है आप उस पर स्टिक रहिए कल न, कल शायद होगा कि आपको लॉस होगा परसों होगा कि आपको लॉस होगा दो चार दिन आपको लॉस होगा एक महीने लॉस होगा दो महीने लॉस होगा बट एट दैट टाइम एक ऐसा वक्त आएगा क्योंकि आपने अपनी स्टडी के भरोसे स्टॉक्स ले रखा है वो स्टॉक्स आपको भागते हुए दिखाई देंगे तो यहाँ पर प्रवचन नहीं देने आया सिंपली आपको बताना आया हूँ कि इन्वेस्टर्स या फिर जो भी इन्वेस्टिंग करता है या जो भी ट्रेडिंग करता है अपने जो प्रिंसिपल्स बना हैं उस प्रिंसिपल्स की तरफ ध्यान दीजिए ना कि और किसी की तरफ तो हम यहां पर क्या बात करने वाले हैं जैसे कि में देख लिया है? चार स्टॉक चार स्टॉक्स आपको बताने वाला हूं उन स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए ओके वो स्टॉक्स फिर दोबारा आपको भागते हुए दिखाई देंगे अच्छे बाइंग लेवल पर मिल रहे हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं जानते हो स्टॉक से रिलेटिव बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे और यहाँ पर दो वीडियोज आज की डेट में आ चुकी है अमीरों का आईपीओ कॉडेंट आई टीस इसमें ऐसे में क्या होता है उससे रिलेटेड ये आईपीओ है एशियन गेम से रिलेटेड यहाँ पर वीडियोज बनाई गई है तो आई

ओके okay, यहाँ पर अच्छे खासे बाइंग लेवल पर आ गया था थर्टी के आर एस आई पे आ गया था ओके okay, और आपने तब भी नहीं लिया ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स को तो फिर आपको मार्केट के क्या ट्रेड कर रहे हो आप समझ में ही नहीं आ रहा आपको तो यहाँ पर देखिए जब भी इस तरीके के स्टॉक्स गिरते हैं ना यहाँ पर जब हायर लो हायर टॉप बनाते हैं देखिए ऊपर भागा फिर नीचे गिरा फिर ऊपर भागा फिर नीचे गिरा ये इसका एक प्रवृत्ति है इसका एक अगर बात करें एक बिहेवियर है इस बिहेवियर को पहचानना सीखो एज वेल एज यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने आपको हमेशा बताया कि आर को भी यहाँ पर देखिए एज वेल एज यहाँ पर शेयर यहाँ पर टूट चुका है उसे भी पर, पर कितना आज के दिन में अच्छा खासा टूट चुका था ऐसे शेयर को अपने है, और देख भी रहे हो, तो पर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए यहाँ पर देखिए मार्केट गिर रही थी उन्होंने यहां पर एक न्यूज और फ्लैश कर दी प्रमोटर्स ने दो का हिस्सा बेचा ओके कोई परेशानी नहीं है अच्छा कोई भी है ऑब्वियस बात है आप भी होते तो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो कुछ परसेंट का हिस्सा आप बेच सकते हो ओके यहाँ पर 74 परसेंट की हिस्सेदारी है 74 परसेंट में से 2 परसेंट उन्होंने बेच दी ओके 72 परसेंट उनके पास अभी भी है इससे कोई इनके ऊपर बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जो 2 परसेंट बेची है वो 2 परसेंट या तो पब्लिक ने खरीद ली लिया हो गया डी ने खरीद ली हो गया एफ ने खरीद ली होगी ऑब्वियस सी बात है ओके तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए ये स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है आज के दिन भी पाँच भागा है क्योंकि मार्केट ठीक हुई ये शेयर भी ठीक हुआ तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए बहुत बेहतरीन सपोर्ट लेवल पर है ओके okay, यहाँ से दोबारा लेंगे तो मुझे यहाँ पर फाइव थाउजेंड रुपीज तक जाता हुआ शेयर नजर आ रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा बस शेयर पर भागता हुआ नजर आएगा तो जब भी ऐसे शेयर गिरावट हो तो न्यूज मत देखिए कि भाग चुका है कितना भाग चुका है बिजनेस पे ध्यान दीजिए क्या कंपनी अभी भी प्रॉफिट में चल रही है क्या कंपनी आगे भी प्रॉफिट में चलेगी क्या ग्रोथ है कि नहीं है ये सब चीज आपको देखनी है तो बस ये सब चीज देखते जाइए बाकी भूल जाइए कि कितना भाग चुका है कितना गिर चुका है तो उसमें डरने की आपको जरूरत ही नहीं है तो सबसे पहला स्टॉक

दोबारा आपको बता रहा हूं कि दोबारा 50 डीएमए पे आ चुका है ऑलरेडी शेयर यहां पर गिर चुका है 40 थर्टी जो हंड्रेड पे ये शेयर चल रहा है अब क्यार जब ये भागेगा तो ये फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज तक है और जब जब यह तो थोड़ा सा इन शेयरों की तरफ ये भी शेयर कितना गिर चुका है तो ये भी शेयर लगभग एटीन परसेंट गिर चुका है अपने इनसे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना दी आपको फंडामेंटल्स कैसे है उसकी आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसे आप देखें लीजिएगा तो कैम्स हो गया एक और शेयर आपको बताना चाहता हूं उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी आपने देखा है टाटा गलेक्सी बगता हुआ दिखाई दे रहा है फाइव सिक्स थाउजेंड रुपीज तक टच होता हुआ दिखाई दे रहा है बट अगर हम बात करें सेम उसका छोटा भाई है के पी काफी टाइम हो गया इसे इस यहाँ पर एक सपोर्ट में चलते चलते लगभग तीन महीने हो गया है और यहाँ पर जब भी ये भी स्टॉक हायर हाई हायर, हायर लो बनाता हुआ नजर आता है आपको ये स्टॉक्स यहाँ भी बताया था आपको ये स्टॉक्स यहाँ या, वन पे जब इसके रिजल्ट आए थे तब यहाँ पर बना बताते हुए दिखाई दिया था और यहाँ पर देखिए चार के आसपास यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट तो हो चुकी है

माइंड की बात करूं तो देखिए यहाँ पर जब से ये शेयर भागना शुरू किया थ्री जब आपको बताया था थ्री ट्वेंटी फाइव रुपीज के आसपास के लेवल पर बताया था आज तक इसने 50 डीएमए को टच नहीं किया समझ रहे हो 50 डीएमए को टच नहीं किया इसने पिछले चार छ महीने से बट यहाँ पर आठ महीने से ही बन यहाँ पर बट अभी बात करें तो इसने 50 डीएमए को आज की डेट में टच किया तो इसका मतलब क्या है कि इस शेयर को अब अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिएगा लॉन्ग टर्म हो गया इसे ती, तीन मई से चार महीने हो चुके हैं एक रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है इसके इस बार के रिजल्ट देखे जाएंगे एक बार इसके रिजल्ट अच्छे आ गए ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा इसका ऑल टाइम हाई की बात करें तो सिर्फ

लिस्ट में तो आपको पता चलेगी एफ एल इंडिया के दिन में पांच परसेंट का सर्किट लगाते हुए दिखाई दिया बट यहाँ पर यहाँ पर स्टेज फोर से स्टेज थ्री में आ गया आ, तो इसलिए भाग रहा है तो ऐसे ही ये भी जब थ्री में आएगा तो दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा बट यहाँ पर वैल्यू बाइंग पिक करना बहुत जरूरी है अच्छे टाइम पे शेयर को लेना बहुत जरूरी है 50 के लिए बेहतरीन सपोर्ट है मेरे हिसाब से पर पर आपको ले लेना एक किस्त लगा देनी चाहिए शेयर खरीदने हैं तो दो चार शेयर यहाँ पर खरीद के रख सकते हैं ऑलरेडी है तब भी नहीं है तब भी तो ये चार स्टॉक्स थे कैम्स के पी आई टी शेयर मिल रहे हैं ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा ओके और बुल मार्केट है बुल मार्केट और रहने वाली है टेंशन मत लीजिए कुछ भी हो कोई कुछ भी कहे अच्छे स्टॉक्स से अच्छे रिजल्ट है बिना डरे बिंदास खरीदिए मार्केट में आ, मार्केट गिरेगी मार्केट गिरने का डर यह सब चीज़ भूल जाइए मार्केट अपना बिहेवियर है आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक रहिए है बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर को सब्सक्राइब करना है इस वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है दूसरे लोगों के साथ और तो हमें जितना हो सके उतना सपोर्ट करने की कोशिश करें सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस